आपसे एक बात कहूँ, आपको इस तरह वहां से उठ के नहीं आना चाहिए था। तुम भी मुझे कह रहे हो? तुमने देखा नहीं रुखसाना भाभी कैसे बातें कर रही थी? अभी एक रात गुजरी है, भला ऐसे कोई बात करता है नई नवेली बहू के साथ? अरे फिर तुमने देखा कि नाश्ते की टेबल से ईशल को किस तरह उठा दिया, दो पल हमारे पास बैठने नहीं दिया। खबर इसमें ईशल का भी कसूर है। वो अब अपर क्लास में नहीं रहती, वो लोअर क्लास के मोहल्ले में चली गई है। वहां पर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं आना चाहिए था। उस तरह के माहौल में लोग इस तरह की बातें नोटिस करते हैं। तो कौन था हमारे सवा? हम सब अपने ही तो थे। और अगर अचानक कोई मोहल्ले वाली आ जाती तो सौ सौ बातें ना करती वो ईशल को भी और रुखसाना भाभी को भी कि देखो उनकी नई नवेली दूल्हे ने कैसे सिर्फ एक वाक्य की बात नहीं कर रहा। अरे ये बात आराम से भी की जा सकती थी, ईशल को कमरे में ले जाके बात कर लेती, लेकिन नहीं, रुखसाना भाभी ने जानबूझकर ये सब कुछ हमारे सामने कहा। दरअसल वो हमारी तरबियत पर उंगली उठा रही थी, हमें एहसास दिला रही थी कि हमने उसे कुछ नहीं सिखाया। अरे वो हमारे सामने ईशल को इतना कुछ कह रही थी, तो न जाने हमारी गैर मौजूदगी में वो क्या सलूक करेंगे ईशल के साथ। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई माना कि तुमने अपने बेटी की शादी बिल्कुल सादगी से कर ली, बारात में हमें बुलाया भी नहीं। भाई अपनी नई बहू से तो मिलवाओ हमें। बुलाएंगे आपको, वलीमे पे बुलाएंगे ना इंशाल्लाह। अब अपने बच्चे की खुशी में आपको शामिल ना करें कैसे हो सकता है? सही बात है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नई बहू? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ताई जान, अलमास पाजी चाय लेना। हाँ ले रही हूँ मैं। ये तुम्हें बुला रही है? कहो। मैं ठीक लग रही हूँ। आपने मिठाई बिल्कुल भी नहीं ली? हाँ हाँ ले रही है। अच्छा मैं चलती हूँ, वलीमे की तैयारी भी तो करनी है ना, फिर आऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। I'm sorry. मुझे उन कपड़ों में बाहर नहीं आना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। आइंदा ख्याल रखना। अब ठीक लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग। अच्छा ईशन, मैं सोच रही हूँ कि अपने वलीमे की सेटिंग तुम खुद ही करो। मैं? हाँ तुम्हारा वलीमा है, तुमसे बेहतर कौन कर सकता है? मगर ताईजान वक्त तो बहुत कम रह गया है। वलीमा आज नहीं कल है, बहुत वक्त है तुम्हारे पास। आराम से सारी वो स्टेज की सेटिंग देख लेना, फूल, खाना, लाइटिंग, अपने और जुनैद के कपड़े भी तुम खुद ही ले आना। लेकिन मेरे वलीमे का ड्रेस तो आपने बनवा लिया है ना, मैंने देखा है बहुत प्यारा है वो। हाँ लेकिन वो मैंने अपनी मर्जी से बनाया था ना, तुम अपनी मर्जी से उससे भी अच्छा बनाओ। और जुनैद से मत पूछना, उसको इन चीजों की कोई समझ नहीं है, उल्टी पुल्टी चीजें चुन लेगा। तुम बस अपनी मर्जी करना, और कुछ कहेगा ना तो कहना ताई जान ने कहा है। हाँ पैसे मुझसे ले जाना। अच्छा आप बहुत अच्छी हैं। चलो जाओ।